हमने महाराष्ट्र में हमारे भारतीय जन विकास महागाड़ी ने ये महाराष्ट्र में 48 जगह लड़े, हमारे कई लोग कई उम्मीदवार हमारे घोषित भी हुए, कई उम्मीदवार ने आरजा भी भरा है, विदर्भ में भरा है। अभी हमारे हमारी जो तीसरी यादी थी, दूसरी यादी 32 लोगों की उम्मीदवार की यादी हमने पुणे में घोषित की है, और भी हमारी जो यादी है उसमें हम अभी अगले हफ्ते में हम 40 लोगों की यादी हम जाहिर करेंगे, फिर अगले हफ्ते में हम 48 उम्मीदवार की यादी जाहिर करने वाला है। और हम महायुति और महाविकास आघाड़ी के बारे में हम जोर से हमारे जो उम्मीदवार है तगड़े उम्मीदवार रहेंगे, हमारे जो उम्मीदवार है वो अपने डोर टू डोर अभी काम करने के लिए काम चालू किया है, सब जगह हमारे अभी कामकाज चालू है। हमारे सब राजकीय पक्ष जो है, पक्ष संगठन के जो लोग है, सब 500 विभाग में हम हमारे जा रहे हैं। सब कोकण विभाग रहेगा, पश्चिम महाराष्ट्र रहेगा, विदर्भ रहेगा या अपना बॉम्बे रहेगा, उधर जा रहे हैं। बॉम्बे की भी हमारे लिस्ट अगले 15 दिन में हम जाहिर करने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमने चालू किया है हमारी महाविकास आघाड़ी जो है, भारतीय जन विकास महागाड़ी, अभी हमको ऐसा लगा है कि हमारे भी कई 15 या 20 सीट हमारे भी चुन के आएंगे, ऐसा हमको अभी लगता है। जब हम मतदारों के पास जाते हैं तो मतदार बोल रहे कि आपको ही आपके उम्मीदवारों की हम चुन के देंगे। हमारी भारतीय जन विकास महागाड़ी जनो 62 पक्ष और 150 संगठन है हमारे सामाजिक, इससे बनी ये महागाड़ी है। महागाड़ी के माध्यम से हमारे सब लोग सब एरिया में जा रहे हैं। जैसे हमारे आप बोल रहे कि उदाहरण रहता है कि प्रत्येक बूथ पे 10 लोग होना चाहिए, हमारे अभी प्रत्येक बूथ पे हमारे 6-7 आदमी रहे हैं, अभी है चालू, हमने चालू किया है। सब बूथों में हमारे 20 या 25 लोग कैसे रहेंगे यह हमारा व्यूहरचना चालू है। महिलाओं का इसमें ऐसा है कि बाबा महिला जो इसमें जब 25-30% रहेगी ना, महिला 20% या 25% रहेगी, तो महिलाओं के भी हमें 15% महिला रहेगा, मुस्लिम रहेंगे, मराठा समाज के उम्मीदवार रहेंगे, धनगर समाज के उम्मीदवार रहेंगे, हर जातियों के उम्मीदवार हमारे ये महागाड़ी में रहेंगे। जरांगे पाटिल को आप आह्वान करने वाले हैं, क्या आह्वान? जरांगे पाटिल को हम आह्वान करते हैं कि जरांगे पाटिल ने ऐसा किया है परसों कि हर लोकसभा के लोकसभा में एरिया में अपना एक एक कार्य भरो, हमारा ये उसका आह्वान है कि जरांगे पाटिल साहब आप महा आघाड़ी में आ जाओ और आघाड़ी से माध्यम से आप 15-20 आप सीटों लड़ो, और अपना ये जो 15-20 और हमारे कई ऐसे सब लोग के 30-35 लोग आपके चुन के लेके आओ।